नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिला यमुनानगर के जिला सचिवालय से। और आप सभी को बता दें किस तरीके से जो है स्कूल में पढ़ने वाले जो है छात्र जो है बताए जा रहे हैं, आप सभी को बता दें किस तरीके से स्कॉलरशिप ना मिलने के कारण जो है यमुनानगर के एडीसी महोदय के पास पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए। आप सभी को लाइव तस्वीरें हरियाणा के जिला यमुनानगर के जिला सचिवालय से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी से गुजारिश है, शेयर जरूर कीजिएगा। और आप सभी को बता दें किस तरीके से डीसी साहब को जो ज्ञापन देने के लिए पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी को लाइव तस्वीरें हरियाणा के जिला यमुनानगर के जिला सचिवालय से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जो यहाँ पर बच्चे आए हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आइए बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ कहना है इन लोगों का। डेढ़ घंटा होने के लगभग सर, ऐसे गुंडागर्दी करने वाले लोगों में कुछ घूम रहे हैं, किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं सर। क्या कुछ लगता है कि जो है मामले में क्या कुछ कितने लोगों पे लोगों के ऊपर अभी तक किसी कोई गिरफ्तारी नहीं सर। और जो गाँव में प्रशासन की तरफ से सिक्योरिटी लगाई थी वो भी अटक चुकी है। तो नाम नूम पता है आपको सबके? सभी का नाम पता है सर। तो क्या कुछ आप कार्रवाई चाहते हैं सर? बस गिरफ्तारी हो सकती है, वरना धरना आज बाहर बैठे सर, हम कल से बाहर बैठे। तो आज तो उनको बताने हैं तो ये एसटीबी चीज को सबसे मारा ना तो गया, तो बाकी मारा धरना तो चालू है सर वहां। जी, तो एससी एसटी स्कॉलरशिप का क्या मामला है जो आप स्टूडेंट बताएंगे? जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस लिए जो स्कॉलरशिप का मामला है जिसको लेकर चाहिए? हमारा जो मामला है स्कॉलरशिप का, काफी दिन से फॉर्म चला हुआ है स्कॉलरशिप का, लेकिन फॉर्म बंद होने के बावजूद भी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है। तो आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यमुनानगर के एसडीएम जो है, एसडीएम पहुंच चुके हैं, एसडीएम साहब पहुंच चुके हैं जो है कि आप सभी को लाइव तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, मिलने के लिए पहुंचे और बातचीत कर रहे हैं, सारा वाक्य जो है बताते हुए नजर आ रहे हैं एसडीएम साहब को, और जो कि ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। आप सभी को लाइव तस्वीरें यमुनानगर के जिला सचिवालय से दिखाने का प्रयास करें। जितने भी छात्र हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, स्कॉलरशिप ना मिलने के कारण, हरियाणा सरकार की स्कॉलरशिप ना मिलने के कारण जो है डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं, जो कि मौके पर आप सभी को दिखा रहे हैं। सुशील कुमार एसडीएम जो है वो किस तरीके से जो है ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी को लाइव तस्वीरें हरियाणा के जिला यमुनानगर से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद एग्जाम उसकी वजह से कोई भी फंड हो सर भरने से रोकने के लिए कोई भाई प्रूफ दिखाओ 3000 वाली पर्ची। एक मिनट सर, आपको प्रूफ दिखा देते हैं।